अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चे को क्या पसंद है या हमको क्या पसंद है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें किन किन चीजों से प्यार है। जब हमें जिन जिन चीजों से प्यार है हम वही काम करना शुरू करते हैं तो हम खुश रहना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जीवन में कई बार मटेरियलिस्टिक सफलता पैसों के रूप में या मटेरियल के रूप में उतनी नहीं मिलती है जितनी हम चाहते हैं। दूसरी स्टेज होती है हमें ये पता हो मैं किस किस में अच्छा हूँ और क्या क्या अच्छा पे करता है, मतलब मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं और बाजार में क्या क्या चीजें चलती हैं। जब आप अच्छी चीजें चलने वाले को करियर के रूप में चुन लेते हैं और जिनको आप चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते तो आपके पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन आप कभी कभी बोर फील करते हैं, आपको अपने प्रोफेशन में उतना मजा नहीं आता है। लेकिन जो स्टेप्स मैंने आपको अभी बताई हैं अगर आप उन स्टेप्स को बराबर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के पास ऑप्शन नंबर 3 होगा, उसे पता होगा कि मैं किन किन चीजों से प्यार करता हूँ, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर हैं और बाजार में क्या क्या इस फील्ड में चल रहा है, इस फील्ड में जाने के लिए मैं कैसे सेट हो सकता हूँ, इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे पकड़ सकता हूँ। तो दोस्तों उसे दोनों चीज मिलेगी, उसे प्रोफेशन से एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और दूसरा मटेरियलिस्टिक सफलता भी मिलेगी जो आप और हम सब लोग चाहते थे, और ये ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ सपना है लेकिन अगर सिस्टमैटिक मेथड से अगर इसे फॉलो किया जाए तो बच्चे को सफलता मिल सकती है। और यही दोस्तों बेस्ट है कि आप क्या प्यार करते हैं, आप किस में अच्छे हैं और क्या बाजार में अच्छा पे करता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, आप किस में अच्छे हैं, आपको किन चीजों से प्यार है और बाजार में किन चीजों का अच्छा पैसा मिलता है, इन तीनों को मिला दीजिएगा, आपके बच्चे के लिए जबरदस्त प्रोफेशन होगा, जीवन में सफलता उसके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आपने मेरी इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा 9303531188, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार दोस्तों।